नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। दिनभर की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों। निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली करने का आरोप। दिल्ली की CM आतिशी ने BJP पर साधा निशाना। MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर भड़की आतिशी, कहा BJP ने उड़ाई संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां। हरियाणा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर का राहुल गांधी पर हमला। तीसरी बार BJP की सरकार बनने का किया दावा, कहा अवैध रूप से विदेश जाना अशोभनीय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा, कहा बड़े अंतर से जीत रही है कांग्रेस। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव, आदित्य ठाकरे की युवा सेना ने दर्ज की शानदार जीत, सभी 10 सीटों पर मारी बाजी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। संजय राउत ने भाजपा और CM शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी ऐतिहासिक संस्था है और 2 साल से भाजपा और मुख्यमंत्री वहां चुनाव रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाजपा और प्रदेश के CM एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि मुंबई यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी ऐतिहासिक संस्था है। 2 साल से भाजपा और मुख्यमंत्री वहां चुनाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राउत ने कहा कि चुनाव की तारीख 2 बार घोषित की गई, लेकिन डर के मारे सरकार और ABVP चुनाव टालते रहे। फिर हाईकोर्ट के आदेश से चुनाव हुआ और उसमें शिवसेना की जीत हुई। शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद ने कहा कि इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र का युवा शिवसेना के साथ खड़ा है, महिलाएं शिवसेना के साथ हैं। और उन्होंने कहा कि ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वोट खरीदे नहीं जा सकते और यहाँ वोटिंग बैलेट पेपर पर होती है, ना कि EVM पर, इसलिए वहाँ कोई छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बड़े अंतर से जीत होने जा रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी समर जारी है। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है, जबकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इसलिए प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले लगातार जारी हैं और अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगह कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह हम जीते। हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जीत हासिल करेगा। मोदी सरकार में केंद्र मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश बेंगलुरु की एक अदालत ने जबरन वसूली के आरोप में दिया है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश बेंगलुरु की एक अदालत ने जबरन वसूली के आरोप में दिया है। बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने इस FIR को दर्ज करने का आदेश दिया। ये आदेश चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में आया है। जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत PCR दर्ज कराई थी। PCR में आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी। इसके बाद बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। ये आदेश 42वीं ACMM कोर्ट ने जारी किया। तिलक नगर पुलिस अब निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल है और हरियाणा में कांग्रेस बड़े अंतर से जीतने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश के सियासी दलों की सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल है। भूपेश बघेल ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल है क्योंकि BJP ने अपने 10 साल के शासन में पहले किसानों को नाराज किया, फिर जवानों को नाराज किया और फिर पहलवानों को नाराज किया। उन्होंने कहा कि इस नाराजगी की कीमत BJP को चुकानी पड़ेगी। लोग अब सिर्फ 5 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने ऐसी योजनाएं लागू की जो जनता को भारी पड़ी और इसका नुकसान तो उन्हें होगा, तो वहीं कांग्रेस में सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और जो 7 गारंटी पार्टी ने दी है उसका लाभ उसे मिलेगा। बिहार के छात्र को पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर पीटने की घटना पर मनोज कुमार झा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए BJP पर जमकर हमला बोला। बिहार के छात्र को पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर पीटने की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ट्वीट पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि पीयूष गोयल ने जब भरे सदन में बिहार पर टिप्पणी की थी तब गिरिराज सिंह चुप रहे।
हम चुप नहीं रहे थे, पूरे विपक्ष ने सामने आकर प्रदर्शन किया था। तब कहां थे गिरिराज सिंह? सारी नेतागिरी ट्विटर और फेसबुक पर है। हर राज्य को समझना होगा कि उनकी बनावट में बिहार का योगदान है। तो वहीं अगर एक दिन बिहार के छात्र, बिहार के मजदूर, बिहार के डॉक्टर, बिहार के मीडियाकर्मी कह दें कि आज कोई काम नहीं करेगा तो पूरा देश ठहर जाएगा। क्यों हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं? हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का पत्ता पूरी तरह से साफ है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम 7 गारंटियों के तहत हरियाणा के विकास को लेकर चलेंगे। हमने हरियाणा की जनता से सुझाव मांगे हैं और उन्हीं सुझावों को डिटेल वर्जन के साथ जोड़कर पूरी प्रक्रिया के साथ मीडिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन इस दफा हरियाणा में हमें उम्मीद है कि हम 60 से शुरू करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का इस बार पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी और मोदी जी की जनसभाओं में लोग नहीं पहुंच रहे हैं और ना ही उनका चुनाव प्रचार नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा की जनता को 10 सालों से बीजेपी ने लूटा है। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी में लोगों को डुबोया है। जनता इसका हिसाब लेगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और हिमाचल से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात पर कहा कि कल अच्छी बैठक हुई। हिमाचल के संदर्भ में बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस भोजनालयों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में मसले पर भी बात हुई और मैंने विश्वास दिलाया कि पार्टी के निर्देश का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है और हम निश्चित तौर पर पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि हिमाचल में काफी समय से ये जो विवाद चला था उसे ठीक करने के लिए सरकार, मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं। वही दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य के चुनाव पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला और आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने जो चुनाव कराया है वह बिल्कुल गैर कानूनी है। हम इस मामले में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य के चुनाव पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कल चुनाव करवाया वो गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। वो चुनाव गैर लोकतांत्रिक है। हमारा देश भारत संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानून से चलता है, लेकिन बीजेपी ने ऐसे चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए संसद से एक कानून पारित किया गया है, वो है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957। उन नियम कानूनों को हम देखने जाएं तो रेगुलेशन 51 जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बारे में है, इसमें साफ लिखा है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव निगम बैठक में होगा। वहीं मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर के पास है। अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर और उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर के पास है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM।